Good morning everyone. I hope you will be fine. Today it is day 5 class of SST and today we will start our new chapter, chapter 2, the face of the earth. Now let's start. The earth is a hoose and round like a ball. हमारी जो पृथ्वी है हूज यानी बहुत बड़ी है एंड राउंड यानी गोल है लाइक ए बॉल बॉल की तरह. द अर्थ इज वेरी बिग इन साइज और ये साइज में बहुत बड़ी है. इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द होल अर्थ एट वन टाइम और हमारी पूरी पृथ्वी को एक टाइम में देखना पॉसिबल नहीं है. थस वी विल हैव टू गो टू ऑल प्लेसेस टू स्टडी अबाउट द अर्थ. इसलिए हमें हर जगह जाकर उस प्लेस की स्टडी करना होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट जो कि बहुत कठिन है क्योंकि हम सब जगह नहीं जा सकते हैं. वन वे इज टू मेक ए मॉडल ऑफ द अर्थ और उसका एक ही तरीका है कि हम अर्थ का एक मॉडल बना लें. दिस मॉडल इज कॉल्ड ए ग्लोब और जो हम मॉडल बनाते हैं उसे हम ग्लोब कहते हैं. ऐसा ग्लोब जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ऐसा आपने स्कूल में आपने कहीं जगह देखा होगा. इसमें पूरी पृथ्वी के बारे में हम देख सकते हैं. ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ जो ग्लोब होता है वह पृथ्वी का ही मॉडल होता है. इवन ऑन ए ग्लोब द एंटायर अर्थ कैन नॉट बी सीन और ग्लोब पे भी पूरी पृथ्वी को एक बार में नहीं देखा जा सकता है. इट नीड्स टू बी रोटेटेड टू सी द अदर हाफ और उसको दूसरे हाफ को देखने के लिए हमें उसे रोटेट मीन्स घुमाना पड़ता है. देखो बेटा अगर आप एक बार में ग्लोब को देखते हो तो आपको इसका ओनली आधा पार्ट दिखाई देता है और फिर जब हमें इसका दूसरा पीछे वाला पार्ट देखना होता है तो हमें इसे रोटेट करना पड़ता है यानी कि घुमाना पड़ता है. नाउ ए ग्लोब हेल्प्स अस इन स्टडिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ बट ए ग्लोब कैन नॉट शो ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ. इसके ग्लोब में हम बहुत सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हम पूरी प्लेसेस के बारे में नहीं देख सकते हैं. सो वी टेक द हेल्प ऑफ मैप्स इसलिए हम मैप्स की हेल्प लेते हैं. ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस जो मैप होता है वो फ्लैट सरफेस पे अर्थ के किसी पार्ट की ड्राइंग होती है. मैप्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस और मैप्स डिफरेंट साइजेस के होते हैं. वेरी लार्ज साइज्ड मैप्स कैन बी हंग ऑन ए वॉल जो बड़ी साइज के मैप होते हैं उनको हम दीवार पर हैंग कर सकते हैं. सच मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स और जिनको हम दीवार पे हैंग करते हैं उन्हें हम वॉल मैप्स कहते हैं. वी कैन रीड द वॉल मैप्स फ्रॉम ए डिस्टेंस और हम उनको दूरी से पढ़ सकते हैं. द वॉल मैप्स आर यूज्ड इन क्लासरूम्स द मैप्स कैन बी स्मॉल एंड कैप्ट इन द फॉर्म ऑफ ए बुक. मैप्स छोटे भी हो सकते हैं और हम उनको बुक की फॉर्म में भी रख सकते हैं. ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस और जो मैप्स की जो बुक होती है उसे हम एटलस बोलते हैं. ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. देखिए ए मैप ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस से फ्लैट सरफेस पे आपके पेपर पे इन पे मैप ड्रॉ होके रहता है. द मैप इज शोज द होल अर्थ इज कॉल्ड कॉल्ड ए वर्ल्ड मैप जो पूरी पृथ्वी के बारे में बताता है उसे हम वर्ल्ड मैप कहते हैं. इट इज मेड इन टू कलर्स जो कि टू कलर्स में बना हुआ होता है. द ब्लू कलर शोज द वाटर बॉडीज जो ब्लू कलर होता है वो वाटर बॉडीज यानी आपके वाटर बॉडीज में पानी होता है उनके बारे में बताते हैं. वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन और बहुत बड़े लार्ज वाटर बॉडीज को हम ओशंस बोलते हैं. द ब्राउन कलर शोज द लैंड मासेस और ब्राउन कलर लैंड मासेस को दिखाता है. वेरी लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट और बहुत बड़े जो लैंड मासेस होते हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं.